हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं चिकमंगलूर। ये तो अभी रेडी हो गई हूँ। अभी बज रहे हैं, रात के बज रहे हैं 2:30। आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं दिखाऊंगी टाइम। देखिए यहाँ पे उल्टा दिख रहा होगा ना, मैं फ्रंट बैक कैमरा से दिखाती हूँ। आप देख सकते हो रात के बजे हैं 2:30। तो सुबह सुबह ही ट्रेन है, जाना है मैजेस्टी, तो इसलिए जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि वहाँ पे पहुँचने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। और तीन चार बजे जाते तो ओला उबेर मिलता कि नहीं पता नहीं, इसलिए अभी मिल गई है तो निकल जाएंगे। पूरा सामान रेडी कर लिए हैं, हम लोग भी रेडी हो गए हैं, अभी निकल जाएंगे। तो चलिए, आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा। अभी 3 दिन पूरा ब्लॉग बनाने वाली हूँ, 3 दिन का ट्रिप है, तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए वीडियो पे, बहुत मजा आएगा। तो यहीं पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निकल गए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं। इतने रात को जोमैटो ऑर्डर कौन किए हैं पता नहीं। देखिए उबेर घर के पास नहीं आएगी, इसलिए हम लोग चल चल के जा रहे हैं। इतना अंधेरा है, हम दोनों ही हैं। गाड़ी रेडी है तो चलो। अरे पहुंचा तो रोकमा ना, जगह नहीं है। नहीं तो हाँ, तुम बैग भी रख दियो। फाइनली फ्रेंड्स, KSR बेंगलुरु स्टेशन पहुंच गए। हम लोग तो बहुत जल्दी ही पहुंच गए, लग रहा था 1 आवर लग जाएगा, लेकिन 45 मिनट्स में ही पहुंच गए। तो चलिए अभी स्टेशन के अंदर जाएंगे या क्या करेंगे, अभी तो 1.5 आवर से ज़्यादा टाइम है, तो देखते हैं क्या करते हैं। आ गए हैं स्टेशन के अंदर, अभी यहाँ पर बैठेंगे, अभी बहुत टाइम है। 5 बजे ट्रेन है, अभी बज रहा है 3:30। तो अभी यहाँ पे बैठ के वेट करेंगे, मेरे ट्रेन में जाके सोएंगे। एक नंबर प्लेटफॉर्म में ट्रेन रुकी हुई है, तो अभी जा रहे हैं। और ट्रेन की ना नेम चेंज हो गया था, तो इसीलिए कन्फ्यूजन में वहाँ पे रुके हुए थे। तो इंक्वायरी में जाके पूछे तो पता चला कि नेम चेंज है, लेकिन सेम ट्रेन है, तो वहाँ पे जा रहे हैं अभी। अगर आप चिकमंगलूर जा रहे हो या जाने के लिए प्लान कर रहे हो, तो आप ट्रेन में भी जा सकते हो, जैसे कि हम लोग जा रहे हैं। चिकमंगलूर से नियर स्टेशन आपको कदूर मिलेगा, चिकमंगलूर से 40 किलोमीटर डिस्टेंस में है। और कदूर स्टेशन से 500 मीटर के अंदर ही है बस स्टैंड, तो वहां से आपको बस मिल जाएगी चिकमंगलूर के लिए। और ट्रेन भी आपको बेंगलोर से डेली मिल जाएगी। और आपको बेंगलोर से कदूर पहुँचने के लिए 3 आवर्स टाइम लग जाएंगे। और आप ट्रेन जर्नी करना चाहते हैं तो इसी के हिसाब से प्लान करिए तो अच्छा रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अभी पहुंच गए हैं कदूर स्टेशन, अभी जाएंगे कदूर बस स्टैंड। तो चलिए चलते हैं, अभी जाएंगे बस स्टैंड, ढूंढ रहे हैं, देखिएगा कदूर कैसा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है कदूर, और बस स्टैंड पर पास में ही है, ज़्यादा दूर है नहीं, तो इतना दिक्कत भी नहीं होता है। कदूर स्टेशन से 500 मीटर डिस्टेंस में ही बस स्टैंड है, बस स्टैंड से चिकमंगलूर आ गए, चिकमंगलूर से अभी आ गए हैं होटल। होटल भी बहुत दूर था, मतलब लेट में बुक किए ना, तो होटल नहीं मिल रहा था, तो बहुत मुश्किल से होटल मिला। तो अभी देखिए ये हम पहुंच गए हैं। चलिए मैं होटल दिखाती हूँ कैसा है, पूरा डिटेल्स में बताऊँगी। तो चलिए होटल के अंदर चलते हैं। अरे यार मैं कैसे दिख रही हूँ, रात भर सोए नहीं है, पूरा सो जाएंगे बोल के ना पूरा स्टेशन चले आए रात को ही, और उसके बाद अभी निकले, अभी पहुँचे हैं, 10 बज गया है। तो अभी फ्रेश होके फिर घूमने जाना है, पूरा फुल टायर्ड हो गए हैं। फिर
होटल तो बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन अंदर जाके पता चलेगा कैसा है। देखिए व्यू बहुत अच्छा लग रहा है ना यहाँ से, लाइक फार्म हाउस टाइप लग रहा है। तो अंदर चलते हैं, अंदर चल के बताऊंगी कैसा है। और ये देखिए मेरे पलटन तीनों आ रहे हैं, एक वीडियो बना रहा है, एक दोनों बात कर रहे हैं। चिकमंगलूर में आपको बहुत सारे होम स्टे होटल या लॉज मिल जाएंगे रहने के लिए, लेकिन हम लोग आए थे वीकेंड में, ये लॉन्ग वीकेंड था इसीलिए यहाँ पे मतलब खाली ही नहीं था कहीं पे। अगर आप वीकेंड में आना चाहते हो तो पहले से ही बुक कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको अच्छा लोकेशन में आपको होटल नहीं मिलेगा। हम लोग बहुत पहले से होम स्टे या रूम चेक कर रहे थे, लेकिन लॉन्ग वीकेंड के वजह से सब फील्ड था और एट द लास्ट मोमेंट पे ये होटल मिला, जो कि चिकमंगलूर से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर डिस्टेंस में है। मुझे तो पहले लगा बहुत दूर होगा, लेकिन इतना भी दूर नहीं है। इसके बारे में आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए मैं आपको रूम दिखाती हूँ, रूम कैसा है। बहुत अच्छा होटल है ये होटल, चिकमंगलूर से थोड़ा 5 किलोमीटर डिस्टेंस में है, लेकिन व्यू आप देख सकते हो चारों तरफ ग्रीनरी और नीचे केनाल भी है, एक मतलब साफ पानी है, गंदा पानी नहीं है। तो होटल तो प्रमस्त है, रूम भी अच्छा है, प्राइस भी ठीक है। देखिए मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, अभी निकल जाएंगे, रेडी होने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। बाय।